अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बन कबाब और स्ट्रीट स्टाइल से, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही लजीज कबाब होते हैं, मज़े के होते हैं, चटपटे से। और इसके लिए बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती हैं। और उसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है, ये मैंने पोटैटो लिए हैं, ये बॉयल हैं और ये 5 हैं और ये स्मॉल साइज़ हैं। और ये मैंने ग्रीन चटनी जो है, हरी चटनी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मिंट चटनी ये मैंने ली है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये जो है, मैंने ऑनियन लिया है स्मॉल साइज़ का और उसको मैंने जो है वो कट कर लिया है, ऑमलेट कट कर लिया है। और ये टमेटो लिए हैं, इसको भी ऑमलेट कट किया है, विदाउट सीड है, ये भी स्मॉल साइज़ है। और ये मैं आलू टिक्की मसाला रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप यूज़ करिएगा। और ये इमली की चटनी है, और इसके भी जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, और आप मेरे चैनल पे इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ बटर, अनसॉल्टेड है। और ये मैं बन जो है वो यूज़ करूँगी बनाने के लिए, और इसको हम मिडल में से काटेंगे। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आलू का जो बैटर है उसको कुक करेंगे अपने अपने बन के अंदर लगाने के लिए। और ये जो है, ये टमेटो और ये जो स्लाइस किया हुआ राउंड में जो है, ये मैंने ऑनियन काटा है, ये हम अपने कबाब के अंदर एज ए सैलड यूज़ करेंगे। ये देखें, ये मैंने पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो अनसॉल्टेड बटर ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारा जो बटर है ये मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर जो हमारे चॉप जो हमने किए हुए ऑनियन उसको ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो है वो ऑनियन ऐड कर दी है, और इसको जो है मैं 1 मिनट के लिए जो है ऑनियन को सिर्फ इसके अंदर सौते करूँगी, और फिर जो है मैं इसके अंदर अपने टमेटो जो है उसको ऐड कर दूँगी। ये देखें, हमारा ऑनियन जो है ये सौते हो चुका हुआ है। हम इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना गोल्डन करेंगे, सिर्फ सौते करेंगे। और अब जो है हमारे टमेटोज हैं, इसको हम सॉफ्ट होने तक जो है वो कुक करेंगे। और आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी जो हरी चटनी है, जो मिंट चटनी है, उसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन चिलीज है, इसलिए मैं ऐड नहीं करी। और अगर आपको स्पाइसी जो है वो ज़्यादा करने हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, हमारे टमेटो जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और मैंने जो हमारे पोटैटो थे उसको मैंने मैश कर दिया है। और अब जो है मैश के अंदर मैश पोटैटो जो है उनको ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं मिक्स करूँगी। और साथ में ही जो हमारा आलू टिक्की का मसाला है उसको मैं ऐड करूँगी। और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए जो है इस मसाले के साथ जो है ये कुक करूँगी। और अब जो है मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी सॉल्ट के साथ। ये देखिए, हमारा बन कबाब का जो बैटर ये अब रेडी हो चुका हुआ है, और अब जो है हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, अब जो है हम सिंपली अपने जो हमारे बन कबाब है इसको मैं जो है वो थोड़ा सा जो उसी पैन के अंदर जो है मैं उसको अच्छे से उसकी जो बोथ साइड है, ये देखिए मैंने बीच में से उसको काट दिया था, उसको मैं सेक लूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने इसको कर लिया। ये देखें, हमने इनको दोनों साइड से टोस्ट करना है बटर के अंदर, और ये मैंने इनको कर लिया है। और आप फ्लेम बिल्कुल स्लो पे कर दें। और अब जो है मैं इसके अंदर सबसे पहले ग्रीन चटनी जो है वो लगाऊंगी, और फिर अपनी जो इमली की चटनी है वो लगाऊंगी, और फिर हम अपना बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे आलू का। देखें, सिंपली जो है मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप कितनी लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लें। ये देखें, ये मैंने लगा दिए, और अब मैं जो हमने बन कबाब आलू का जो बैटर रेडी किया था इसको लगाएंगे।
और साथ में ही हम जो है वो अपना ऑनियन के जो है वो रखेंगे और साथ ही टमेटोज रखेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह मैं बाकी जो बन कबाब हैं उनको रेडी करूंगी। ये देखें, ये हमारे मज़ेदार आलू के बन कबाब जो हैं ये रेडी हैं। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करें, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और ये बहुत ही मज़े के चटपटे जो हैं ये खाने में लगते हैं। बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।